मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गने चल रही थी, मर्द लोगों का यही कहना था। बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोजार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी का पर एक साथ गए, हम दोनों आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 पेटियाँ और भी थीं, पेटियाँ ही थी ही। मोशची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही। अचानक 9:15 बजे मिस्टर वानदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनको उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डसेल ने यह तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन यानी हंसी मजाक या व्यंग्य कह सकते हैं, हंसी मजाक करना, इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से यानी धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए, उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, मैंने मार्गेट से कहा। तय है पीटर ने किसी और बहाने से ये बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। सेंधमारी यानी चुपचाप चोरी से कहीं पर जो है कहीं पर जाना, तो चोरी से एक तरीके से चुपचाप कुछ भी बिना किसी की जानकारी में अवैध रूप से जाना। पिताजी मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट माँ मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतज़ार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना। हम बातों में लगी रहीं। इसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। उसके बावजूद कि हम डरे हुए थे हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आईं। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था, वे नर्वस थे। पहले वे भीतर गए, भीतर आए, उनके पीछे मिस्टर वानदान, बत्तियाँ बंद कर दो, दबे पाँव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था, बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 बजे तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था, बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाज़ें आईं। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चल सके।
लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा देगा। पुरुष लोग सेंध मारो की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वांदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वांदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है, उन आदमियों में से एक भुनभुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वानदान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी एन। मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डेसेल की तरफ से बायो माल्ट और मीठे मटर, मेयब की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ, और सबसे बड़ी बात, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह और कुछ और जुटा भी नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। यानी कि इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी हमले जो हैं बराबर हो रहे थे। कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे, इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की थाह पाना बहुत मुश्किल है। यानी जिस बिल्डिंग में, अपने पिता के ऑफिस में अब अपना अज्ञातवास बना चुके और रह रहे एन के परिवार वाले, उस एनेक्सी पर भी किलेबंदी से जो है अब डच लोगों के मूड की थाह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। यानी किलेबंदी और जो लगातार जो गोलेबारी है और जिस तरीके से प्रहार करने की कोशिशें की जा रही हैं कि यहूदियों को पकड़ा जाए जो अज्ञातवास में हैं, जो अपने आप को भूमिगत कर चुके हैं, उनको पकड़ने के प्रयास में अभी भी जो है वहाँ की सरकार लगी हुई है। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना ही नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगे, डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके, टूटे, हारे और लूटे पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की ही कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद, जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता? उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। यानी ये जो आज का माहौल बना हुआ है, जो परिस्थितियाँ हैं, ये सब कुछ रहता ही नहीं। ऐसा सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक हैं। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार के चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन एक फ़र्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी और काफ़ी हद तक बदल भी चुकी हूँ।
तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार्का समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं अकेली अक्खड़ हूँ, या वे सब भी ही हैं, या यह सब वाहियात लगता है? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये सारे आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं हूँ। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेज वांदान और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं, जड़ बुद्धि जो कुछ भी बेहतरीन नहीं सोच पाते, मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती मिसेज वांदान और मूर्खाधिराज डसेल हैं। मिसेज वांदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वह मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं, और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार्का समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं जिनके बारे में मैं खाक भी नहीं जानती। ये बात डसेल पर भी फिट होती है, लेकिन मेरे प्रिय कहावत हैं, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा, और मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती कि मुझे डर लगने लगता है कैसे होगी इससे मुक्ति। तब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता, मुझे कोई नहीं समझता। यानी एन जो है अब 15 साल की है, और उनका इतना अच्छा और इतना बड़ा सोचना, लेकिन घर के लोगों का उनको नहीं समझ पाना उनको कहीं ना कहीं परेशान भी कर देता है, और आखिरकार उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ पाता। ये वाक्य मेरा हिस्सा है, यानी ये उनकी पहचान सा बन गया जैसे, कि उन्हें कोई नहीं समझता, और आखिर में वो परेशान होकर ये सोचती हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, इसलिए वो कह रही हैं ये वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो, नहीं क्या किटी? मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि यह सच है। पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिल पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती वह कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे किस जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ, उसे बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए ना जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है, मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन मुझे उससे कई तरह से निराश उसने मुझे कई तरह से निराश भी किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त ना देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों को अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझसे छुपाता क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज़्यादा घुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ। हालांकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं, कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। और इस तरीके से वो चाहती हैं कि पीटर उससे खुलकर बात करे, और उन इसलिए उसको घुन्ना कहती हैं, जो अपने अपनी मन को अपनी बातों को अपने तक ही रखता है और उसको सामने वाले को इजाज़त भी नहीं देता कि वो उसमें झांक सके और उसको जान सके। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। यानी जब उनकी ऐसी उम्र हुई कि वो ज़्यादा सोचने समझने लायक हुए, तो वो उनका वही अज्ञातवास का 2 वर्ष का वक्त था एनेक्सी में। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है।
क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ? मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा ना होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चांद इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। तब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। ये गहरी सांवली बरसात की रात थी, तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में ये पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी, यानी आमना सामना कर रही थी, उन्हें देख रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी। यानी कि जिस दिन से वो अज्ञातवास में रहने लगे थे, वो बाहर के नज़ारों को भूल गए थे। आसमान, चिड़िया, प्रकृति, ये सब देखना उनको मुश्किल हो गया था। बाहर यहाँ तक कि वो अपनी खिड़की और पर्दों को भी खोल कर हटा कर देख नहीं सकते थे। इस वजह से वो इस चीज़ का वर्णन कर रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने रात का जो साक्षात्कार किया था इतने समय के बाद, और उसके बाद उनकी चाह और बढ़ने लगी थी। तब मुझे चोर, उचक, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापों का भी डर नहीं रह गया था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है, कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं, और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आज़ाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। ये मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल लेती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चीकट हुई खिड़कियों में घुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की भार सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सानी नहीं मतलब मुकाबला नहीं कर सकता कोई। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और वो अभी भी समझा जाता है, ये कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना भी काफ़ी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से आज़ाद और सक्षम है। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी ही थी, क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक भी दिया जाने लगा है। कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्रता का हक चाहती हैं। और इस तरीके से एन की डायरी से पता लगता है कि जिस उम्र में वो थीं, किस तरीके से उनमें उनके विचारों में विकास हो रहा था, और वो उम्र के साथ साथ अपने विचारों के साथ भी बढ़ रही थी, और उनकी जो भावनाएं थीं वो किस तरीके से अपनी डायरी में ही उतर पा रही थी। उनको सुनने वाला कोई नहीं था, समझने वाला कोई नहीं था, और 15 साल की उम्र के बच्चे में इतनी बड़ी सोच और इतनी बेहतरीन सोच और इतनी गहरी सोच थी, ये बात भी उनके पिता को बहुत समय बाद ही पता लग पाई थी। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? और इस तरीके से एन जो है, यहाँ पर पुरुष और औरतों में जो फर्क किया जाता है, इतनी सी उम्र में इतनी गहरी सोच के साथ उनके बीच किए जाने वाले फर्क के लिए सवाल उठाती हैं।
मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है, बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है, उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं कि औरतों को बच्चा जनना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत, प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें ये काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की भर्त्सना करती हूँ, वह है हमारे मूल्यों की, जो हमारे वैल्यूज हैं, मूल्यों की प्रथा जो है, और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ, उनके मतलब खिलाफ आवाज उठाना चाहती हैं, जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतें, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। और इस तरीके से एन, एक छोटी बच्ची, अपने गहरे विचारों के साथ समाज में फैली ये कुरीति और भेदभाव जो पुरुष और औरतों के बीच किया जाता है, उसको उदाहरणों के माध्यम से बतलाती हैं कि ये करना कितना गलत है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ, जब वे कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतें द्वारा झेले जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना, ये लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफें सहती हैं। और इस तरीके से एन जो है, इस चीज़ की उम्मीद रखती है कि आने वाले समय में औरतों की इज्जत होगी, उन्हें उनका वो सम्मान मिलेगा, वो सराहना मिलेगी जिसकी वो हकदार हैं, और जिसको जो सम्मान और हकदार पाने की, वो हकदार होने के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिल रहा है, शायद आने वाले समय में, आगे वाले समय में उन्हें ये सब चीज़ों से नवाजा जाएगा। तुम्हारी एन एम फ्रैंक।